चलिए फाइन, ठीक है। चलिए आज के सेशन में हम स्टार्ट करते हैं टॉपिक का, लेक्चर नंबर 2 है ह्यूमन एंड डिजीज का, और पढ़ते हैं, बहुत अच्छे से पढ़ाई करने की कोशिश करेंगे। लास्ट क्लास में हम लोगों ने डिजीज के बारे में पढ़ा था, डिजीज इन्फेक्शियस हो सकती है, डिजीज नॉन इन्फेक्शियस हो सकती है। इन्फेक्शियस में भी एक डिजीज थी जो थी नॉन कंटाजियस, मतलब वो डायरेक्टली तो नहीं हो रही थी लेकिन किसी वेक्टर के थ्रू हो रही थी या किसी होस्ट के थ्रू हो रही थी। आज हम होस्ट के बारे में या वेक्टर के बारे में पढ़ेंगे। सर हेडिंग डालिए होस्ट, ठीक है। आप खाली ऐसे लिखिएगा जैसे मैं लिख रहा हूं, आप लिखेंगे होस्ट, जैसे वो कहते हैं कैरियर, ठीक है। और लिखेंगे टाइप, जो आपका सिलेबस है वो सिर्फ प्राइमरी होस्ट और सेकेंडरी होस्ट की बात करता है, लेकिन होस्ट जनरली तीन तरीके के होते हैं। तो लिखिए प्राइमरी होस्ट, दूसरा इज सेकेंडरी होस्ट और तीसरा इज रिजर्वॉयर। जब हम बात करते हैं प्राइमरी होस्ट की, तो हम प्राइमरी होस्ट को ही डेफिनेटिव होस्ट कहते हैं। और सेकेंडरी होस्ट को कहते हैं इंटरमीडिएट। ठीक है, अब मेरी बात को समझिए। कोई कोई पैथोजन है, वो अपनी लाइफ साइकिल दो होस्ट पर पूरी कर रहा है। कितने में? जैसे मलेरिया पैथोजन है तो उसमें इंसानों पे भी कर रहा है, मच्छर भी कर जरूरत है। लेकिन इसी तरीके से अगर मैं दूसरी किसी लाइफ साइकिल की बात करूं, लाइक मान लो कि टाइफाइड की बात करूं, या मतलब कुछ भी ऐसा कोई भी बीमारी जिसमें सिर्फ एक होस्ट की जरूरत है, किसने की, तो वो हो गया प्राइमरी। अब यहाँ पर भी होस्ट आता है दो तरीके से। कभी कभी कुछ होस्ट ऐसे होते हैं जो सिर्फ बीमारी को कैरी करते हैं, जैसे फ्लाइज उनकी बॉडी पे कैरी कर रही है लेकिन उनकी बॉडी के अंदर लाइफ साइकिल नहीं चल रही है। कुछ ऐसे होस्ट होते हैं जिनकी बॉडी के अंदर लाइफ साइकिल का कुछ पार्ट कंप्लीट हो रहा है, ठीक है। चलिए अब हम हर चीज पढ़ाएंगे आपको। चलो लिखा हुआ है, देखो, इट हार्बर्स पैरासाइट अप एट सेक्सुअल या एडल्ट या ए सेक्शुअल स्टेज, मतलब मतलब कोई ना कोई स्टेज लाइफ साइकिल की यहां पर होगी। तो यहां पर एक बात लिखिएगा, फर्स्ट या प्राइम होस्ट, मतलब इसमें लाइफ साइकिल शुरू होगी। एग्जाम्पल लिखो, प्राइमरी होस्ट का एग्जाम्पल लिखो, जो प्लाज्मोडियम है, इसका जो प्राइमरी होस्ट है वो है फीमेल एनोफिलीज, और जो इसका सेकेंडरी होस्ट है वो है ह्यूमंस, ठीक है। हम बात कर रहे हैं अगली बीमारी की, दैट इज प्राइमरी होस्ट कौन सा, रूबेला मैन ऑफ टाई, कौन है प्राइमरी होस्ट, तो कहेंगे मैन, ह्यूमन। बात समझ में आ गई? ये दो एग्जांपल समझ में आ गई।
ठीक है, सेकेंडरी होस्ट हार्बर इंटरमीडिएट स्टेज लाइक लार्वल स्टेज या ए सेक्सुअल स्टेज, जैसे जैसे ह्यूमन का मैंने वहां लिखवाया था ना सेकेंडरी होस्ट है, इसी तरीके से फीमेल क्यूलिक्स एक मॉस्किटो है सेकेंडरी होस्ट और मतलब आपने गंदा खाना वाना खाया और आपको क्या हो गया फाइलेरियासिस, अब आपकी बॉडी में फाइलेरियल वर्म ग्रो कर रहा है सेक्सुअल स्टेज लाइफ साइकिल ही कंप्लीट कर रहा है और वो एक लार्वा, जैसे लार्वा क्या होता है तो कहेंगे सर ग्रोथ पैटर्न है, मतलब एक इंडिविजुअल बनने से के बीच में लार्वल स्टेज आती है, ठीक है डायरेक्टली एम्ब्रियो ग्रो नहीं करता बीच में लार्वा से, वैसे आप बटरफ्लाई की बात करें तो प्यूपा ये सब सुना होगा, ठीक है स्टेजेस होती हैं बटरफ्लाई में, लार्वल स्टेजेस होती हैं, ठीक है तो वो लार्वल स्टेज के बाद क्या होती है फिर वो बटरफ्लाई बनती है। ये जो लार्वल स्टेज है इसका जो मॉस्किटो ने वापस किसी इंसान को फाइलेरिया है फाइलेरियासिस है उसको मच्छर ने काटा तो उसकी बॉडी में क्या चला गया फाइलेरियल वर्म का लार्वा, एक इंसान था जिसको फाइलेरिया था, फाइलेरिया जिस इंसान को होगा कैसे हुआ गंदा खाना गंदा पानी, ठीक है इस तरीके से बुकेरिया बैंक्रॉफ्टी वाला पैथोजन वहां चला गया उसकी बॉडी में, उसने प्राइमरी होस्ट की तरह उसकी बॉडी को यूज किया, वहां पर उसने अपनी सेक्सुअल लाइफ साइकिल कंप्लीट करी, वो डेवलप किया लार्वा में, लार्वा फिर दोबारा उस इंसान को मच्छर ने काटा मच्छर गया मच्छर के अंदर उसका लार्वा चला गया उसकी बॉडी में, वो लार्वा ग्रो कर और एडल्ट बनेगा। ये जो स्टेज है ये किसके अंदर हो रहा है तो कहेंगे मच्छर के अंदर, मच्छर यहाँ पर क्या है सेकेंडरी होस्ट, हो गया समझ में आ गया। जनरली सेकेंडरी होस्ट की बॉडी में ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, हम लोगों ने कहाँ पढ़ा था मलेरिया में, चलो लिखा है रिजर्वायर होस्ट, ठीक है अब यहां पर देखो एक बात लिखी हुई है इसकी बॉडी में पैथोजन है लेकिन इसकी बॉडी में वो पैथोजन क्या नहीं कर रहा है कोई डेवलपमेंटल स्टेज नहीं कंप्लीट कर रहा है या कोई इन्फेक्टिव स्टेज नहीं हो रहा है, ठीक है जैसे मंकी को मलेरिया नहीं होता राइट, इसी तरीके से अफ्रीकन एंटीलोप है इनको ये इनकी बॉडी में ट्रिपैनोसोमा प्रेजेंट है, ट्रिपैनोसोमा स्लीपिंग सिकनेस कॉज कराता है लेकिन इनको ये बीमारी ना इनकी बॉडी में वो कोई स्टेज कवर करेगा, ठीक है चलिए बायोलॉजिकल वेक्टर हेडिंग डाली है वेक्टर, जैसे आपने होस्ट पढ़ा प्राइमरी होस्ट सेकेंडरी होस्ट इसी तरीके से आप उसको वेक्टर भी कह सकते हैं। यहाँ पर कुछ इंटरेस्टिंग बात यह है कि ऐसा है कि कोई बीमारी को सिर्फ अपनी बॉडी की सरफेस पे लेकर के जा रहा है, ठीक है तो जिसकी बॉडी को टच किया उसकी बॉडी में वो ट्रांसमिट हो गया, ये हो गया मैकेनिकल वेक्टर, बायोलॉजिकल क्या है उसकी बॉडी में एक लाइफ साइकिल होगी, ठीक है ठीक है तो वेक्टर दो तरीके के हैं मैकेनिकल वेक्टर और बायोलॉजिकल वेक्टर, तो लिखो दे मर्ले ट्रांसफर पैरासाइट,
नो पार्ट ऑफ पैरासिटिक डेवलपमेंट टेक प्लेस एग्जाम्पल हाउस फ्लाई कॉकरोच हाउस फ्लाई और कॉकरोच डन। आगे बढ़ते हैं, दैट इज बायोलॉजिकल वेक्टर। ये पूरा पॉइंट लिखिए, पैरासाइट अंडरगो पार्ट ऑफ डेवलपमेंट बिफोर इट ट्रांसफर इनटू होस्ट। एग्जांपल इज फॉर प्लाज्मोडेस, फॉर बुकेरिया। चलो एक बात देखिए, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, पैरासाइट। पैरासाइट की टाइप तो आपने जनरली सुना है, या तो वो मतलब बॉडी के अंदर बीमारी फैला रहा है, या तो बॉडी की सरफेस पर, लाइक टिक्स, ठीक है, लाइक जो है लीचेस हो गई, जुएं हो गई, ये सब मतलब क्या है, ये भी पैरासाइट है, लेकिन एक्टो पैरासाइट है। तो पैरासाइट कई तरीके के होते हैं, लाइस जिसको जुआ आप कहते हो, राइट। यहाँ पर देखिए क्या लिखा हुआ है, बहुत अच्छी अच्छी चीजें हैं, मजा आ जाएगी आपको, केवल इतना ही लिखना, बहुत ज्यादा मत लिखना। यहाँ पर लिखा है एक्टो पैरासाइट, तो कहां पर होंगे, बॉडी की सरफेस पर। तो एंडो क्या होगा, इनसाइड बॉडी, ठीक है। हाइपर पैरासाइट इसी तरीके से होता है। एक लिखा है मोनोजेनेटिक पैरासाइट, मतलब आधी लाइफ साइकिल आपकी बॉडी में, आधी लाइफ साइकिल किसी, मोनोजेनेटिक डाइजेनेटिक। अभी तो एंडो पैरासाइट, साइटोजोइक, हिस्टोजोइक और सीलियोजोइक, ठीक है। चाहो तो लिख लो, वैसे वरना आपके सिलेबस के हिसाब से सिर्फ इतना आप लिख लोगे तो आपका काम चल जाएगा। सिर्फ इतना लिख लो, पैरासाइट भैया एक्टो पैरासाइट होता है और एंडो पैरासाइट होते हैं, ठीक है। ये है एक्टो पैरासाइट, तो लिखो डैश करके लिखो, लिव ऑन सरफेस ऑफ द होस्ट बॉडी, हेड लाइस, इच माइट्स, टिक्स ऑन डॉग, ठीक है, कोक पॉड्स ऑन मेराइन फिश। लिखेंगे आप लोग, नहीं लिखना है, केवल दो ही एग्जांपल लिख लीजिए, एक्टो पैरासाइट, एंडो पैरासाइट। पैरासाइट अगला इज एंडो पैरासाइट। एंडो पैरासाइट क्या होती है, लिव इनसाइड होस्ट बॉडी। तो ये तीन तरीके होते हैं, साइटोजोइक, हिस्टोजोइक और सीलियोजोइक। तो इंट्रा सेलुलर, सेल के अंदर, इंटर सेलुलर मतलब दो सेल के बीच में, दिस इज इंटर सेलुलर। इंट्रा सेलुलर का मतलब सेल के अंदर, और तीसरा इज सीलियोजोइक पैरासाइट।